YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम दस्तक वृश्चिक राशि, इन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य दिनांक 14 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य कैसा सप्ताह जाने वाला है वर्णन करने जा रहा हूं। इस प्रकार से आपके इस सप्ताह में आपकी जो राशि वृश्चिक है तो वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है और मंगल कहाँ बैठे हैं विराजमान है वृश्चिक धनु मकर कुंभ ने। आपकी राशि वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि पर वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन और मेष छठवें स्थान पर मंगल हैं। छठवें मंगल क्या करते हैं भाई से विवाद कराते हैं और शत्रु बाधा पहुंचा सकते हैं और हानि होते होते नुकसान शत्रुओं का ही होगा, विवाद जरूर होगा और आपके जो है तो भाई से विवाद होने का संकेत कर रहे हैं। तो ये मंगल देव की स्थिति रहेगी। केतु आपकी राशि पर ही विराजमान है। केतु जैसे जब राशि पर बैठते हैं तो आपके मुखमंडल की आभा की प्रसिद्धि होगी और आपके व्यक्तित्व की भी प्रसिद्धि कराते हैं, इस प्रकार केतु कराएंगे। राहु आपके साथ में है, सप्तम राहु जो क्या कराएंगे, सप्तम पत्नी का भाव होता है, पत्नी को स्वास्थ्य गड़बड़ करें, स्वभाव गड़बड़ करें, अचानक उनको स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकते हैं और आपको किडनी संबंधी गुप्तांग से संबंधित पीड़ा कर सकते हैं ये राहु। साथ साथ में आपके जो शनिदेव हैं वो क्या करेंगे, शनिदेव जो है तो मकर राशि पे चल रहे हैं और आपके वृश्चिक है, वृश्चिक धनु मकर तीसरे स्थान पर हैं। संतान बाधा पहुंचा रहे हैं, संतान को कष्ट दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई वाले छात्रों के लिए भी थोड़ा अच्छा समय नहीं है, पूरा सप्ताह थोड़ा अवॉइड करें और उसके पश्चात यही भाग्य में भी अवरोधक बना हुआ भाग बिगड़ रहा है, जहाँ कुछ अच्छी उपलब्धि होना थी वो उपलब्धि में ये दाल भात में मूसर चंद घुस गए, इस प्रकार यानी नुकसान हो रहा है। साथ साथ में आपके लाभ मार्ग में भी सहायक नहीं है, लाभ को भी अनुकूल नहीं कर रहे हैं और खर्च आपका बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से लाभ में कमी और खर्च का बढ़ना ये दोनों कार्य आपके ये शनिदेव करा रहे हैं। गुरुदेव जो है वो जो है कहाँ पर है, वो भी छठवें स्थान पर है, वृश्चिक धनु मकर यानी तीसरे स्थान पर गुरु हैं। अब आपके पत्नी की सलाह आपको मानना चाहिए, उनकी सलाह उनका उपदेश आपको बुरा जरूर लग रहा होगा लेकिन बड़ी सहायक बात कर रही हैं, इसलिए आपको मान मर्यादाओं का पालन करते हुए पत्नी की सलाह माने तो आपका गृह जीवन अच्छा रहेगा। साथ साथ में यही चंद्रदेव आपके भाग्य वृद्धि में बहुत बड़े सहायक बने हुए हैं। आपका भाग्य जहाँ नहीं बन रहा वहाँ बन जाए तो ब्राह्मण साधु है, संत हैं, सज्जन पुरुष हैं, इस प्रकार से आध्यात्म क्षेत्र है, ज्ञान का मार्ग है, इन सब क्षेत्रों से कार्यरत सबके लिए लाभान्वित होने का शुभ अवसर इस सप्ताह में रहेगा। और उसके पर धर्म से कुटुंब से संबंध तीसरे स्थान पर हैं, इसलिए आपके जो तीसरे स्थान पर होने से आपके लाभ स्थान को बहुत ही अच्छा परिमार्जित कर रहे हैं। भाग्य और लाभ इन दोनों में अच्छा फल देने वाले ये गुरुदेव रहेंगे। शनिदेव का बताया गुरु, सूर्यदेव क्या कर रहे हैं, सूर्यदेव इस समय कुंभ राशि पर चल रहे हैं और आपकी राशि से चतुर्थ हैं, इसलिए आपके चतुर्थ सूर्य होने से आपके डाढ़ दांत के रोग, मुख से पंडित रोग, शरीर में कष्ट होना, ये सब ऊष्मा पैदा कर रहे हैं, इस सप्ताह में थोड़ा सा इससे सावधान रहना है। बुधदेव की स्थिति क्या है, बुध जो है तो आपकी राशि से बाद में है, नहीं आपकी राशि से तीसरे हैं, बुधदेव तीसरे हैं, शुक्रदेव तीसरे हैं, तीसरे शुक्र आपके पत्नी से थोड़ा सा विवाद की स्थिति निर्मित करते हैं। जो स्त्री जातियाँ जाति की हैं उनके लिए कर्म क्षेत्र में जो रथ हैं उनके लिए बहुत विकास का समय रहेगा और जो कला से लगी हुई महिलाएं हैं
उनके लिए लाभान्वित होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और पत्नी का जो है सो थोड़ा सा वाद विवाद भी हो सकता है, कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है। बुध देव व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यापार में भी आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, लाभ कम होगा। इस प्रकार से परिश्रम आपका बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से शनिदेव राहुदेव गुरुदेव का बताया और राहुदेव का मैंने बताया। अब जो है तो मंगल देव के बताने के साथ जो केतु देव हैं वो आपकी वृश्चिक राशि पर है, वो भी मैं बता चुका हूँ। चंद्रदेव की स्थिति क्या है कि आपके वृश्चिक धनु मकर कुंभ चौथे चंद्रमा है, पहले दिन यानी 14 तारीख को चतुर्थे कलहागमा, यानी कलह का वातावरण घर में तैयार हो रहा है। आपको कोई ना कोई विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, मित्रों से नुकसान हो सकता है, मित्रों से विवाद हो सकता है, और जो है सो मन आपका मलिन रहेगा, खिन्न रहेगा, कोई घूमी हुई वस्तु जैसा आपका मन दिखेगा। पंचमे ज्ञान वृद्धिश्च, 15 और 16 तारीख को ज्ञान की पिपासा की पूर्ति होगी। स्टूडेंट के लिए, छात्र जीवन के लिए बहुत ही उत्तम फलदायक है। उनकी मान मर्यादाएं अच्छी रखते हुए आप पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे और सब प्रकार से आपको प्रेम सुख प्राप्त होता रहेगा। और उसके पश्चात में षष्ठे व्याधि समायुतः, 17 और 18 तारीख को व्याधि आ सकती है, कुछ परेशानी आ सकती है, आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। सप्तमी राज सम्मानम, और उसके बाद में 19 और 20 तारीख को मान मर्यादा आपको प्राप्त होगी, सम्मान प्राप्त होगा, देने काय की गति बढ़ेगी और पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा, स्त्री जाति से आपको लाभान्वित होने का अवसर है। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय मिला जुला फल देने वाला रहेगा। हरिओम तत्सत।